गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको सुप्रभात। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग एक ऐसे प्रोग्राम को आज विटनेस कर रहे हैं, बल्कि आगाज कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन हेल्थ इन टोटालिटी। हम लोग क्या खाएं इसके बारे में बात करेंगे, और कैसे रहें इसके बारे में बात करें, और मॉर्निंग शेड्यूल क्या होना चाहिए, एक हेल्दी मॉर्निंग शेड्यूल क्या होना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग सोज द डे, एक अच्छी सुबह की शुरुआत पूरा दिन में आपका एक अच्छा कर सकता है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हूँ, पेशे से डॉक्टर हूँ, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, बिहार में ही प्रैक्टिस करता हूँ, और माय फर्स्ट लव इज मेडिकल एजुकेशन डेफिनेटली, एंड द एक्सटेंशन ऑफ दिस लव इज एमवे एंड न्यूट्रिशन। सो गोइंग अहेड विद द प्रेजेंटेशन, हमारे पास 10 से 15 मिनट है, हम लोग बात करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या खाएं, ये क्यों जरूरी है। पहले तो समझे कि इस 21वीं शताब्दी में हम लोग क्यों इस पे बात कर रहे हैं कि क्या खाएं। पूरा जो ह्यूमन रेस है थ्रू आउट द डेवलपमेंट यही तो खोज रहा था कि क्या खाएं और कैसे रहें, और अभी भी हम इस पे बात कर रहे हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि इतने दिनों में हम सीख नहीं पाए कि रहना कैसे है, खाना कैसे है, क्योंकि अभी जो मैनकाइंड जूझ रहा है, जिस यू कैन से द हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है, मोस्टली वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ऐसी डिजीज जो कम्युनिकेबल नहीं है, दैट मच्छर का काटने से या इससे नहीं होता है, हमारे लाइफ स्टाइल और खान पान से होता है। और ज्यादा जो बर्डन है, जो मैक्सिमम हेल्थ बर्डन जो है किसी भी समाज पे, किसी देश पे या विश्व पे, और अगर यूनिट की तरह देखें तो किसी परिवार पे, वो है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को इतना खराब कर चुके हैं, क्या खाएं और कैसे खाएं और कैसे रहें, इसके चक्कर में हम लोगों ने अपने रहन सहन को इतना खराब कर लिया है, अपने खाने पीने को इतना खराब कर लिया है, कि अब हमें जरूरत पड़ गई है कि हम बैठ के ये बात करें कि खाना क्या है, रहना कैसे है। और ये केवल हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं, केवल एमएज कंपनी रियलाइज नहीं कर रही है। अगर आप देखेंगे तो ICMR एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जो ये बताती है, जो रिसर्च करती है और हेल्थ के ऊपर, और टाइम टू टाइम गाइडलाइन जारी करती है, उसी को सपोर्ट करता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि न्यूट्रिशन पे रिसर्च करता है, और वो साथ मिलके गाइडलाइन देते हैं। पहली गाइडलाइन 1998 में आई थी, उसके बाद उसकी रिप्रिंट हुई थी, और फिर दूसरी गाइडलाइन आई थी, अभी अब 13 साल के बाद 2024 में फिर से गाइडलाइन आई है। इसका मतलब, पहला मतलब तो ये होता है कि इवन द गवर्नमेंट नोज कि देयर इज अ बिग फ्लो इन आवर ईटिंग हैबिट, हमारे खान पान में बहुत बड़ा खराब बदलाव हो गया है जिसके वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं। साथ ही साथ क्या खाएं हमको नहीं पता है, हमको बताने की जरूरत है कि क्या खाएं, क्या खाएं और कैसे रहें, इसको बताने की जरूरत है। तो लेट्स टॉक अबाउट, और ये जरूरत ऐसे है, अगर आप ध्यान से देखें अपने डेवलपमेंट को, जब कुछ भी नहीं हुआ करता होगा, जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है उसके पहले की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग जब इवॉल्व कर रहा था तो उसके पास रहने का जब घर नहीं होता था तो डेफिनेटली उसके पास कोई स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं होती होगी। लोग बाहर निकलते होंगे, अपने जरूरत की चीज खाते होंगे और बाकी चीजों को वहीं छोड़ देते होंगे, नेचुरल एक एनवायरमेंट में जो आपके खाने की चीजें पड़ी होती थी, और लोग खाने के सर्च में भटकते थे, इसलिए 1000 कदम चलना भी नहीं पड़ता था, जो हम अभी कोशिश करते हैं सुबह उठ के 10,000 स्टेप्स करने की, वो 10,000 स्टेप्स इन सर्च ऑफ द फूड वी यूजली यूज टू हैव। ये हमारा डेवलपमेंट है, लाखों हजारों साल तक हम ऐसे ही बड़े हुए हैं। अब उसको धीरे धीरे हमने क्या किया, हमने अपने खाने के सामान को एकत्रित करना शुरू किया, उसके पहले उपजाना शुरू किया। अब जैसे ही आप कल्टीवेट करना शुरू करते हैं तो आप नेचर के साथ थोड़ा बहुत जाने अनजाने में छेड़छाड़ करते हैं, वो छेड़छाड़ आपके भोजन में आता है, फिर आपके शरीर के अंदर जाता है, फिर आपके अनुवांशिक DNA में चला जाता है, और वो DNA में जाके एम्पलीफाई होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ता जाता है, और आगे जाके वही आप बीमारी का रूप धारण करता है। दूसरी बात, जैसे ही हमने स्टोरेज किया तो हमारा सर्च फॉर द फूड खत्म हो गया और हम स्टार्टिंग होने लगे, स्टैग्नेंट होने लगे, हम चलना बंद कर दिए। पूरी प्रक्रिया, जो पूरी धरती, जो जितनी भी एक्टिविटी है, वो इसीलिए था कि हमें भोजन चाहिए था। आज हमने सारी चीजें तो बना ली, लेकिन यही भूल गए कि खाना क्या है और कैसे खाना है।
और गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज हो रहा है, हर गवर्नमेंट उसकी गाइडलाइन दे रही है, इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट बने हुए हैं जो गाइडलाइन कर रहे हैं। तो ये तो एक बैकग्राउंड है कि हमने फ्रेश जो भोजन होता था उसको स्टोरेज करने के चक्कर में, कल्टीवेट करने के चक्कर में, ज्यादा से ज्यादा उपजाने के चक्कर में उसके सीड्स को मैनिपुलेट किया, स्टोरेज के चक्कर में हम गंदा खा रहे हैं, बासी खा रहे हैं। अगर सुबह का खाना दोपहर को खा रहे हैं तो वो बासी है, अगर एक डेड बॉडी डिके करती है तो फूड भी डिके करता है। मिल्क प्रोडक्ट कोई खा रहा है तो मिल्क जब प्रोक्योर किया गया था, जब गाय से दूध निकला था और जब वो प्रोडक्ट बना, वो जितने स्टोरेज की टाइम लाइन है उसके बीच में वो डिके कर रहा है। आपके स्टोरेज की क्षमता, आपको उसको बचा के रखने की क्षमता जितनी भी अच्छी हो, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट जिसमें बना है जिसमें कंज्यूम हुआ उसके बीच का गैप जितना बड़ा होगा वो उतना ज्यादा खराब होगा, और वो खाने की सामान का सामान जितना खराब होगा वो उतना ही हार्मफुल होगा। एक बात तो ये है। दूसरा बात कि अगर हम अभी से भी इम्प्रूव करना शुरू करें तो क्या क्या कर सकते हैं, बेसिक चीजें क्या क्या हो सकती है। तो ICMR ने एक्चुअली ग्रॉस गाइडलाइन 17 गाइडलाइन की थी दी है जो अच्छी गाइडलाइंस है। पहला जो ऑब्वियस दिख रहा है वो ये है कि हमारा जो खाने का प्लेट है, अगर आप फूड प्लेट देखेंगे, हमारा फूड प्लेट होता है जो खाली होती है, जो उसमें एक बड़ा हिस्सा होता है जिसमें चावल या रोटी रखी होती है, उसके बाद एक कोने में थोड़ा दाल रखा होता है और बाकी सब्जी के लिए बहुत छोटा सा एक ऐसा छोटा सा जगह जो पूरे घर में सर्वेंट्स क्वार्टर होते हैं उस तरह का थोड़ा थोड़ा सब्जी वगैरह पड़ा रहता था। ICMR ने कहा कि इस प्लेट को बिल्कुल चेंज करेंगे हम लोग, वी नीड टू चेंज द प्लेट एंड गिव द स्पेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सब्जी और फल को वो वाला जगह दे जहां पे सीरियल बैठा हुआ है, जहां पे अनाज आपका पड़ा हुआ है, जहां पे चावल आप सजा के थाली में रखते हैं, वो पूरा जगह आप सब्जी और फल को देंगे। उसके बाद 15% से ज्यादा हिस्सा आपका मिलेट्स और वो सब का 15-20% थाली का नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो डेंस काब है उसके अंदर, तो वो 15% भी थाली का हिस्सा होगा तो वो दैट विल ट्रांसलेट इनटू 30-40% ऑफ द टोटल काब रिक्वायरमेंट, बिकॉज वी ऑलरेडी हैविंग कॉम्प्लेक्स काब। अब फल और सब्जी में क्या है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सोर्स तो है ही, लेकिन वो लोड्स एंड लोड्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जो इतने मात्रा में। और सबसे मजेदार बात है, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि फल में यानी प्लांट सोर्स में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी सारी जानकारी भी अभी हमें नहीं है कि कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हेल्प कर रहे थे। लाखों लाख हजारों हजार साल तक हमें ये कैंसर वगैरह नहीं हो रहा था, हमें हार्ट डिजीज नहीं हो रहा था, हमें डायबिटीज नहीं था, ये सब डिजीजें हमने पैदा की है पिछले 100-200 साल में, उसको बढ़ाया है, धीरे धीरे पैदा किया उसको बढ़ाया है। तो जिस चीज को हम पैदा कर सकते हैं तो हमको खत्म भी खुद ही को करना होगा, और जो प्रोसेस हजारों साल से चल रहा था रहने का उसको हमने कुछ ही 100 सालों में बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो अब उसको बदलने का एक बेसिक तरीका है कि आप अपने प्लेट को पहले रिवर्स करें। पहला चीज है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसका सोर्स होता है फूड में फल और सब्जी, उसको एक ऐसा जगह दें जहां पे आप चावल या रोटी रखते थे। दूसरा, जहां पे दाल रखते थे उसको अगर 3 भाग में बांट देंगे तो एक हिस्सा जो होगा उसमें आप सीरियल्स और मिलेट्स को अकोमोडेट करें और पल्सेस और नट्स को एक जगह स्टिमुलेट कर एडजस्ट करें, दूसरी जगह को ऐसे प्रोटीन के सोर्स को दें जैसे जो आपके एग और फिश और बाकी ऑयल्स एंड अदर एसेंशियल ओमेगा 3 कंटेनिंग फूड्स। अब डिफरेंट इंडिविजुअल फूड कॉम्पोनेंट पे अगर हम जाएं तो वो आगे के मॉर्निंग सेशन में हम लोग बात करेंगे या और स्पीकर्स होंगे बात करेंगे, बट ग्रॉसली फर्स्ट थिंग वी हैव टू चेंज द स्टाइल ऑफ द प्लेट। अब दूसरा ये है कि किस आखिर ये न्यूट्रिशन पे इतना फोकस क्यों हो रहा है, क्या इम्पैक्ट क्या होता है, क्योंकि एक कॉमन आदमी के लिए आज हमने खाना अगर चावल ज्यादा खा लिया तो उसका इम्पैक्ट आज सुबह खाया तो दोपहर को नहीं होना है। लेकिन ICMR की जो इंट्रोडक्टरी नोट है अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड कि वो कह रहे हैं कि एक मदर के वूम में जो बच्चा है, जब उसके पेट में बच्चा पल रहा है, अगर मदर इज न्यूट्रिशनली डिफिशियंट और फर्स्ट 1000 डे ऑफ द लाइफ दैट इज व्हिच इट स्टार्ट्स इनसाइड द मदर, हमारी जिंदगी का पहला 1000 दिन जो माँ के पेट से स्टार्ट हो रहा है वहां से न्यूट्रिशन का इम्पैक्ट शुरू होता है। अब आप बिलीव कर सकते हैं कि कोई बच्चा जो माल न्यूट्रिशन
जो कि ऑब्वियस माल न्यूट्रिशन नहीं हो सकता। ग्रॉसली हम लोग माल न्यूट्रिशन मतलब समझते हैं जो बहुत मोटा है या बहुत पतला दुबला हो गया, बट माइक्रो लेवल का माल न्यूट्रिशन विच इज रैम्पेंट इन आवर कंट्री एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब आप जो बेस जो जो विशिष्ट आदमी है उसके भी सैंपल्स अगर ब्लड के लिए जाएं, उनके अगर फिजिकल पैरामीटर्स लिए जाएं, तो आप पाएंगे कि दे आर डेफिशिएंट इन न्यूट्रिशन एंड ऑल दोज पीपल आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। तो अगर मदर का माल न्यूट्रिशन की सफर कर रही है जो कि 100% होना ही होना है, तो बच्चा एक्चुअली माल न्यूट्रिशन को एक्सपोज अपनी माँ के वोम में हो जा रहा है, और अगले 1000 दिन जो है वो डिसाइड करता है कि फ्यूचर में उसको कौन कौन सी मेटाबॉलिक डिजीज होने वाली है। That is written in the introductory note of the ICMR. वो कह रहा है कि आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज होगा अगर मदर माल न्यूट्रिशन से सफर कर रही है, बच्चा ऐसे मदर के पेट से जन्म ले रहा है, तो उनको आगे जाके डायबिटीज होगा। मेटाबोलिक सिंड्रोम का एक स्पेक्ट्रम है जिसमें कि डिसलिपिडीमिया है, मोटापा है, शुगर आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल तो आता ही है, साथ में आगे जाके कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और फीमेल्स में पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज जो कहते हैं पीसीओडी या पीसीओएसएस कहते हैं वो बीमारी आती है, और इंसुलिन का रेसिस्टेंस हो जाता है, इतनी सारी चीजें होती है। बट एक एक बड़ा सा स्पेक्ट्रम है सिंड्रोम एक्स और जिसका मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक्सटेंशन। तो आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग न्यूट्रिशन इतना ह्यूज है कि अगर पहले 1000 दिन में बच्चा अगर डेफिशिएंट एनवायरनमेंट है, एक बहुत बड़ी थ्योरी है ओबेसिटी की, वो कहता है कि अगर मदर माल न्यूट्रिशन की शिकार है तो बच्चा जब बड़ा होगा ही विल ईट मोर एंड वो बहुत ज्यादा खाएगा और अनाप शनाप चीजें खाएगा, और आगे जाके वो टीन एज में ओबीज हो जाएगा, और फिर वो बढ़ते बढ़ते वो अर्ली एडल्टहुड में ही वो डायबिटिक हो जाएगा और प्री डायबिटिक तो हो जाएगा। मैं बताऊं, मैं अपने क्लिनिक में मेरे अगर मैं 10 पेशेंट को टेस्ट करता हूँ HbA1c के लिए, एक पेशेंट आता है जिसका HbA1c मेरे हिसाब से सही माना जाए, क्योंकि एक अगर शुगर एक ऐसी बीमारी है जो अपने आप में बीमारी तो है नहीं, डायबिटीज शुगर ब्लड शुगर तो सबको होता है, एक लेवल तक हम उसको नॉर्मल मान लेते हैं, उसके बाद डायबिटिक मान लेते हैं। दैट इज ये एक कॉन्टिन्यूस चीज है ब्लड शुगर का होना। अब हमारा बचपन से लेके अभी तक बॉडी जैसे डेवलप किया है उसके हिसाब से हमारे ब्लड शुगर को हैंडल करने की कैपेसिटी होगी बॉडी की। अगर कोई माल न्यूट्रिशन का बच्चा है जो मदर माल न्यूट्रिशन की को सफर कर रहे थे, मतलब उसको न्यूट्रिशन मान लो उसको कैल्शियम डेफिशिएंसी ही थी, जिंक डेफिशिएंसी थी, अब किसी के बॉडी में केवल कैल्शियम और जिंक की डेफिशिएंसी है, इतना सफिशियंट है उसके पैनक्रेटिक सेल को डिसफंक्शन कराने के लिए, और वो बच्चा आगे जाके डायबिटिक होगा, इसको समझ पाना ही बहुत बड़ी बात है। तो लर्निंग हाउ द न्यूट्रिशन विल बिकम कंप्लीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और पहला 1000 डेज ऑफ द बेबी तभी अच्छा होगा जब जो एडल्ट है उनके न्यूट्रिशन को ठीक किया जाए, और एडल्ट के न्यूट्रिशन को ठीक करने के लिए स्टेप्स तो अभी लेने पड़ेंगे, और लेने पड़ेंगे न्यूट्रिशन को साइंटिफिकली। इट्स नॉट अबाउट कि हमने कुछ चीजों को ग्रॉसली बदलाव कर दिया। अब ग्रॉस बदलाव तो ये होता है अगर आप किसी को समझाओ कि आपको ठीक से रहना है, तो वो कहता सुबह से टहलेंगे तो ठीक, लेकिन उसके बाद आके क्या करेंगे? अगर आपने जो इंग्रेडिएंट्स है वही गलत डाल दिया अपने बॉडी में, तो आप इंजन को खूब चलाएंगे तो बहुत बढ़िया काम करेगा। एक 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 कार जिसको कि हम रॉन्ग पेट्रोल डाल दें, डीजल और केरोसिन मिला के अगर डाल दें और उसके बाद खूब ढेर सारा भगाएं तो क्या होगा? तो वॉकिंग इज वेरी गुड, बट आर वी टेकिंग सफिशियंट न्यूट्रिशन टू नर्चर आवर बॉडी, prepare our body for a good walk? So that is very important कि हम लोग start करें अपने दिन को इस तरह से कि जिसका nutrition का part is very important। I focus अभी भी दुनिया इस पे अभी walk करने का एक you can say कि एक awareness आया है कि we have to walk, but if you at the same time if you are not preparing and giving your good fuel to your body and walking regularly, that will also harm. That is for sure. क्योंकि बॉडी में स्टोरेज की कोई कैपेसिटी नहीं है। मैंने बोला कि बेसिक फंडा स्टोरेज इज नॉट ए कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर। नेचर डू नॉट वॉन्ट टू स्टोर एनीथिंग। इफ यू आर स्टोरिंग एनीथिंग, तो अगर आप अपने शरीर में कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा फूड दे रहे हैं जो कि आपके शरीर के लिए जरूरी नहीं है, तो चूंकि बॉडी के पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है तो वो जहां तहां जमा करेगा। कहां जमा करेगा? जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है उस पे जमा करने लगेगा। फैट के आसपास जमा करेगा तो फैटी लीवर की तरह की बीमारी होगी और लीवर का डिस्फंक्शन होगा। किडनी के आसपास पेरीनेफ्रिक फैट जमा होगा
तो किडनी के फंक्शन को डिरेंज करेगा, खून की नली के अंदर और बाहर जमा होगा, इंट्रावास्कुलर और एक्स्ट्रावास्कुलर फैट डिपोजिशन होगा, दैट विल लीड टू एथेरोस्क्लेरोसिस जो कि जो ब्लॉकेज का रूप आगे जाके लेता है। और सबसे मजेदार बात, अभी तो साइंस कह रहा है कि ब्लॉकेजेस जो हम कॉमनली जानते हैं कि 70% 80% ऐसा ब्लॉकेज हो जाएगा तो दिक्कत होगा, एक्चुअली सॉफ्ट प्लाक जो मुलायम मुलायम जो ब्लॉकेजेस होते हैं जिसमें कि लिपिड के लिपिड जो जमा होता है, जो फैट जमा होता है, जो मुलायम होता है, उसके फटने का और अचानक नस को ब्लॉक करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और यही कारण है कि इंडिया और बाकी कंट्री में यंग लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि 20% ब्लॉकेज वाले लोग को हार्ट अटैक ना आए? उसका तरीका केवल यही है कि न्यूट्रिशन को ठीक करें, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें। देयर इज नो मेडिसिन एज सच जो आपको, देयर इज नो एक्चुअली करंटली अवेलेबल ट्रीटमेंट की 20% को आप स्टैंडिंग तो नहीं कर सकते। और स्टैंड आपने कर भी लिया, कोई नाली अगर खराब होगी उसको बना भी दिया, लेकिन अगर लगातार कचरा डालेंगे तो फिर से जाम होगा वो। तो हमें ये इंश्योर करना है कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की पहली गाइडलाइंस 17 गाइडलाइंस आर देयर फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। व्हाट टू आज के दिन मैं एम्फसाइज करना चाहता था कि टू पहला एक हजार दिन, पहला 1000 days ऑफ बेबी जो है, दैट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर अ बॉडी विथ अ गुड प्रिपेयर अ बेबी विथ अ गुड बॉडी एंड गुड इंटरनल एनवायरमेंट। वी हैव टू प्रिपेयर मदर्स बॉडी ऑल्सो, सो फोकस, वी मस्ट फोकस ऑन द न्यूट्रिशन ऑफ द मदर एंड न्यूट्रिशन ऑफ द आई मीन फैमिली ऑल टूगेदर, सो दैट वी हैव अ फ्यूचर जनरेशन विथ गुड हेल्थ एंड यू कैन से बेटर डिजीज फ्री लाइफ। क्योंकि हेल्थ तो डॉक्टर को तो अभी जो डॉक्टर का स्वरूप है, डॉक्टरी का स्वरूप है और जो चिकित्सा का स्वरूप है वो इतना फोकस है क्यूरेटिव मेडिसिन में कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन टॉक अबाउट द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट और जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ अमंग द डॉक्टर्स ऑल्सो। लेकिन ये चीजें बदलनी होगी और हमें फोकस करना होगा न्यूट्रिशन, क्या खाएं और कैसे खाएं। इसका पहला स्टेप मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि चेंज योर प्लैटर एंड डू नॉट स्टोर योर फूड। अगर ताजा नहीं खा सकते तो नहीं खाएं। दूसरा बात, फास्ट का पैटर्न क्या होना चाहिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं इसी दोनों पे आज फोकस करके अपना खत्म करूंगा क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, दूसरा सेशन शुरू होना है और ऑलरेडी 20 मिनट हो गया। इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए मैं एक लाइन बोलूंगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग द बेस्ट रूप में ये होता है, द बेस्ट 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 रूप में इंटरमिटेंट बेस्ट प्रोसेस ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग इज कि जब भूख लगे तभी खाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग हजार साल तक डेवलप ऐसे ही हुए हैं कि जब खाना मिलता था तभी खाते थे और मजबूरन ही सही हम लोग को लंबे लंबे समय तक भूखे रहना पड़ता था। वी यूज टू फास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, इवन डेज, 2 days 3 days बिफोर वी गेट द फूड एंड खाए। तो हमारा जेनेटिक मेकअप ऐसे इवॉल्व हुआ है कि हम लंबे लंबे समय तक फास्ट रहते थे फिर खाना खाते थे, हम स्टोर नहीं करते थे तो हमें घर के अंदर खाना मिलता नहीं था, फिर जब दोबारा भूख लगती तो खाने के सर्च में आते थे, खाने में दिन दिन तक भूखे रहना पड़ता था। तो हमारा जीन अगर सही रहना है, अगर उसको जेनेटिक मेकअप को लंबे समय तक जीने का मतलब होता है कि आपका जेनेटिक में जो जीन है वो हेल्दी रहे और लंबे समय जिए। जीन को छोटा करता है हमारे अंदर एक एंजाइम होता है जो टेलोमेरेज, वो उसकी एक्टिविटी से डिसाइड होता है कि जीन कितना लंबा होगा। और जैसे ही वो छोटा होता जाता है तो सेल डेथ हो जाती है, एपोप्टोसिस कहते हैं उसको। तो अगर लंबे समय तक जीन को करना है तो उसको स्ट्रेस में डालना होता है। स्ट्रेस में डालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप बॉडी को आप खाना कम खाएं, उसी को मेडिकल टर्म में इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का बेस्ट तरीका है कि कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए। द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस इंटरमिटेंट फास्टिंग, डू नॉट पुट एनी पैटर्न टू द इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप सुबह उठे, नाश्ता किया, मॉर्निंग न्यूट्रिशन के बाद आप भूल जाइए कि खाना क्या होता है, जब भूख लगेगी तभी खाएंगे। और कोशिश कीजिए उसको 50% और मैक्स टू मैक्स 70% तक फूड करें। आज के लिए मैं इतना ही करूंगा क्योंकि टाइम बहुत ले लिया मैंने, 20 मिनट ले लिया। ओवर टू प्रदीप जी और आगे का सेशन करेंगे हम लोग।